हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात करूँ आपका जबलपुर डिवीजन के बारे में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर डिवीजन, आज है आपका 25 अक्टूबर और आज आपका हुआ है साइको टेस्ट का एग्जाम। ठीक है, आपका 50% DPQ डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा के तहत जो ALP का वैकेंसी आया हुआ था उसका आज साइको टेस्ट का एग्जाम हुआ है। तो मैं बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना सेफ अटेम्प्ट है, एग्जाम में पैटर्न आपका कैसा आया था, अनलिमिटेड एजुकेशन को जो भी बच्चे फॉलो किए उनका एग्जाम कैसा गया, और आप लोग में से जितने भी बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन के हो कमेंट करके बताना कि आज का जो साइको टेस्ट हुआ है उसका टेस्ट का इंटरफेस या सिलेबस या एग्जाम पैटर्न और जैसा आपने प्रैक्टिस करके गया था सेम था या नहीं, अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपको फायदा हुआ या नहीं। कुछ स्टूडेंट कमेंट जरूर करना, इससे बाकी स्टूडेंट आइडिया लगा लेते हैं। जैसे ये आपका 50% डिपार्टमेंटल कोटा वाला एग्जाम था, उसी तरह से चक्रधरपुर है आपका SER में, है ना, उसी तरह से आपका अभी आपका ER कोलकाता, इसका रिटर्न एग्जाम हो चुका है 50%, है ना, डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा LDCE ER। ये मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ आपका भी एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाला है। ये 50% कोटा है और आपका इसका नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो जितने भी ईस्टर्न रेलवे वाले बच्चे हो आप लोग कम से कम इस लेक्चर को सीरियसली देखो, सेम एग्जाम पैटर्न आपके फाइनल एग्जाम में भी आने वाला है। और काफ़ी बच्चे डिमांड किए हैं तो मैं दिवाली का कूपन कोड अभी से स्टार्ट कर दिया हूँ, आप लोग लगा लेना, है ना, हैप्पी दिवाली, है ना, ये आप लोग कोड यूज कर लेना। प्राइस आपका 1449 से कम हो करके 999 होगा, 450 आपका कम होगा। ये अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम डिस्काउंट है जो मैं किसी किसी ओकेजन पे देता हूँ, जैसे नवरात्रा पे दिया, दिवाली पे दे रहा हूँ। तो जो भी बच्चे मुझे मैसेज करके डिस्काउंट मांग रहे हो आप लोग इसको ट्राई करो, ठीक है। जब आपका जबलपुर डिवीजन का ऑफिशियल मॉक लिंक आया था तब मैंने इसका वीडियो बना के आपको पैटर्न समझा दिया था, 100% सेम पैटर्न आया है। फर्स्ट में आपका आया था ट्रैक मेमोरी, है ना, और इसमें आपका वही 24 क्वेश्चन का 2 सेट और आपका 12 मिनट का टाइम, 3-3 मिनट करके। सेकेंड में आपका आया था वाच टेबल टेस्ट और इसमें 5 ऑप्शंस थे, 20 क्वेश्चन एक फिगर पे और 5 ऑप्शन, मॉक में 6 ऑप्शन था लेकिन इसमें 5 ऑप्शन आपका आया और टाइम आपका वही 10 मिनट, ठीक है। स्क्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा था, वाच टेबल में इतना ज़्यादा स्क्रोलिंग था ना कि अगर बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे ना तो वो पक्का मार खाए होंगे। मतलब एक बार में स्क्रीन पे शायद 3 या 4 क्वेश्चन दिख रहा था, आधा क्वेश्चन दिख रहा था। तो स्क्रोलिंग प्रैक्टिस आपको काफ़ी ज़्यादा करना है और इसीलिए मैंने वाच टेबल टेस्ट में इतना ज़्यादा स्क्रोलिंग दिया हुआ है। तो जो लोग अनलिमिटेड से प्रैक्टिस किए होंगे उसको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं हुआ होगा। तीसरा सेक्शन आपका वही ब्रिक टेस्ट आया और इसमें जैसा कि 50 क्वेश्चन, 5 मिनट का टाइम, 10 फिगर, ठीक है, समझ में आया। और चौथा सेक्शन आपका आया वही पिक्चर पोजीशन, पिक्चर पिक्चर पोजीशन, और इसमें आपका 60 क्वेश्चन और इसमें समय दिया 7 मिनट का, वही आपका 30 30 का 2 सेट, ठीक है। पहले पैटर्न देख लो। और आपका पांचवा आया था ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल इसमें वही आपका 96 क्वेश्चन और आपका 7 मिनट का टाइम, ठीक है, और आपका 32 32 32 का 3 सेट। ये आपको पता चला। एक थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट मैसेज किए हैं कि ऑक्टागोनल में आपका जो इमेज का आपका साइज है ना वो छोटा था, स्मॉल था,
है ना। अब फुल टेस्ट 49 में मैंने दिया हुआ है और ऑक्टागोनल टेस्ट का सेक्शनल टेस्ट 21 और 22 अगर आप लोग लगाए होंगे तो आप लोग देख लेना। अभी मैं एक खोल करके भी दिखाता हूँ, आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताना कि सेम ऐसा था या इससे भी छोटा था, ठीक है। और एक ट्रैक मेमोरी, इसमें कुछ बच्चे मैसेज किए कि इमेज का जो साइज था ना, वो जो वर्ड होता है या लेटर होता है, 3 लेटर का कॉम्बिनेशन जो होता है, वो थोड़ा सा छोटा था, है ना। जैसे सपोज करो मैं दिखाता हूँ BLS, तो वहाँ पे आपको BLS ऐसे था, तो ये था, बाकी सब कुछ आपका सेम था। और बच्चे 100% अटेम्प्ट करके आए हैं, अनलिमिटेड वाले जितने भी बच्चे हैं 100%। अब मैं फटाफट आपको पहले दिखा देता हूँ इंटरफेस कैसा आया था, ताकि अदर जोन वाले बच्चे समझ जाएं, और उसके बाद बता दूंगा आपको कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। जो भी बच्चे इतना से ज्यादा बनाए होंगे तो आप सभी लोग साइको टेस्ट पास कर जाओगे आसानी से। जिसे सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना है, 3-4 मिनट वीडियो आगे करके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से वेबसाइट पे चले जाना। एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको हमेशा वेबसाइट से करना है, वेबसाइट से करना है, लैपटॉप पे करना है, ठीक है। एक्सटर्नल माउस के हेल्प से करना है, एकदम से इसको इम्पोर्टेंट कर लो। मैं ऐप देता हूँ, आप सभी लोग जॉब वाले बच्चे हो तो आप लोग ऐप पे वीडियोज देखो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट लगाओ मन है तो, ताकि कुछ गलत हो तो डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम डिस्कशन कर सकते हो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के, अगर कुछ गलत होता है तो ये सब के लिए ऐप यूज करो। सिंगल प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन पूरे इंडिया में, जो ऐप पे साइको टेस्ट देता है। आप एक बार ट्राई करना, ऐप पे साइको टेस्ट कहीं नहीं खुलेगा। ऑटो सेव, स्क्रोलिंग, ये सब फीचर मैंने ऐप में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है ना वो वेबसाइट से लैपटॉप पे करना है, किसका, फुल टेस्ट का, ये मैंडेटरी है। ऐप से फुल टेस्ट का प्रैक्टिस मत करना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहां से चले जाना, नहीं तो गूगल खोल के अपने लैपटॉप पे GDCELP साइको टेस्ट लिखना, आपका सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन आ जाता है, या आप LDCELP साइको टेस्ट भी लिखोगे तो आपका अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा ऊपर में, या आप अनलिमिटेड एजुकेशन लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिखो। और यहाँ से जाके आप इस वेबसाइट पे चले जाना, यहाँ पे जब आप जाओगे तो ऐसे आएगा, ELP साइको टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से आएगा, किसी भी लॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका पैकेज आ जाएगा। ये सब आप लोग कर सकते हो, इतने समझदार हो, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है, सब कुछ आपको दिख रहा है। रजिस्टर पे जाके रजिस्टर करो, लॉगिन पे जाके लॉगिन करो, यहाँ पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेना, है ना। बस मैं कोड कैसे लगाना है वो दिखा देता हूँ, HAPPY हैप्पी दिवाली, ये अप्लाई करोगे तो आपका कोड अप्लाई होके 999 आएगा। यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी आप सेट करोगे उसको लिख लेना, उसी से आपको करना। अगर भूल जाते हो तो रीसेट कर सकते हो, मोबाइल नंबर OTP के हेल्प से लॉगिन कर सकते हो, सारा ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आपको वेबसाइट इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ साइको टेस्ट के लिए है, इस पे साइको टेस्ट के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप ELP साइको टेस्ट पे जाना, LDCE वाले भी यही पैकेज लेना, GDCE, ठीक है, इसी में मैं LDCE का कंटेंट दिया हूँ। जिसका ऑफलाइन एग्जाम है वो भी यही लेगा, ठीक है। इस पे जाओगे, जैसे ऑफलाइन वालों को थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, PDF पे जाओगे, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, इसको क्लिक करके देखो, आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाएगा। आराम से अपना पढ़ो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। तो सब कुछ मैं आपको यहीं पे देता हूँ, यहाँ पे फ्री वीडियोज में जाके अपना वीडियोज वगैरह देख लेना, पेड वीडियोज पे जाके आपको सब कुछ अपना देख के अच्छे से समझना है सारा कुछ, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट सीरीज में जाके, पहले सेक्शनल टेस्ट का मेमोरी टेस्ट पे जाके ट्रैक मेमोरी, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में वॉच टेबल टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन में ब्रिक टेस्ट, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में पिक्चर पोजीशन, और परसेप्चुअल स्पीड में ऑक्टागोनल, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। और जब इसका प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आप लैपटॉप से एक्सटर्नल माउस के हेल्प से फुल टेस्ट का प्रैक्टिस सीरियस होकर करना, मजाक में नहीं,
ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट का टेस्ट खोल करके दिखाता हूँ। आपको कोई सा भी टेस्ट जब आप फुल टेस्ट खोलोगे ना, तो इसके अंदर कौन कौन सा सेक्शन दिया हुआ वो मैंने लिखा हुआ है। मेरा जो ये वेबसाइट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज वे में मैंने ये बनाया हुआ। ये 8 साल के मेहनत का इफेक्ट है। आपको हर टेस्ट में ये भी दिखेगा कि इस टेस्ट के अंदर में कौन सा सेक्शन है, कितना क्वेश्चन है, कितना टाइम वगैरह सब। जैसे यहाँ पे ALP साइको फुल टेस्ट 2929 में आपको बिल्डिंग मेमोरी दिया हुआ है ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी आपको फुल टेस्ट 1 से 10 और 41 से 50 लगाना है। तो जैसे मैंने 49 आपका दिया हुआ है, तो इसको जब आप खोलोगे तो एक बार आप लोग पैटर्न देखो, और जबलपुर वाले जितने बच्चे हो एक बार आप लोग भी देखो और बताना कि ऐसा ही आपका आया था कि नहीं। 3 मिनट का टाइमर और मेमोरी पेज। अब इसमें वो लोग साइज छोटा कर देते हैं या पिक्चर ब्लर कर देते हैं, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 टेस्ट आपको ऐसा दे दूंगा जिसमें काफ़ी लो क्वालिटी होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है तो अच्छे से सब कुछ करना है। पहले सीखो, पहले स्पीड गेन करो, तभी तो कैसा भी सिचुएशन होगा तो टैकल कर लोगे। पहले ही मैं सब कुछ डाउन करके आपको डीमोटिवेट कर दूंगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो फिर एग्जाम में क्या करोगे, है ना। चलो, तो ये आपको समझ में आया। जब आपका मेमोरी पेज 1 खत्म होता है तो 1 मिनट का ब्रेक टाइम मिलता है, और फिर आपका मेमोरी पेज 2 आता है, और फिर ये खत्म होता है तो इसका क्वेश्चन आता है, और फिर ये खत्म होता है तो आपका फिर से 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम, फिर से आपका वॉच टेबल टेस्ट। और यहाँ पे देख लो एक बार स्क्रोलिंग, एक बार आप लोग स्क्रोलिंग देख लो, तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो एग्जाम में मार खा के आओगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। फिर आपका चलते हैं ब्रिक टेस्ट पे। ब्रिक टेस्ट भी आपका इसी तरह से आया होगा, 1 फिगर पे 5 क्वेश्चन, 10 फिगर पे 50 क्वेश्चन, 5 मिनट का टाइमर, इस तरह से। ओके, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ। बाकी फुल टेस्ट 1 फ्री है, आप लोग जाओ सब लोग लगा करके देखो, जिसका भी एग्जाम होने वाला है साइको टेस्ट का, फुल टेस्ट 1 फ्री है। फिर यहाँ पे आपका 30-30 का 2 सेट आया था ऐसे करके, है ना, 7 मिनट का आपका टाइम था, और फिर यहाँ पे जाने के बाद आपका ब्रेक टाइम, और फिर आपका ऑक्टागोनल टेस्ट। और ऑक्टागोनल टेस्ट में आप लोग साइज देखो, मैंने छोटा कर दिया है, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। फाइनल एग्जाम में भी आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दिखता है, और जब आप इसको सबमिट करोगे, जैसे कि आपका आपने कितना बनाया, एवरेज स्कोर कितना गया, एक्यूरेसी कितना है, टी स्कोर कितना आया, है ना। और साइको टेस्ट वही बच्चा पास करेगा जिसका 5 सेक्शन क्वालिफाई दिखेगा। तो ये आपको फिलहाल फंडा समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ। काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, उसके बेसिस पे ऑक्टागोनल टेस्ट को काफ़ी लोग हल्के में लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है, लेकिन यही काफ़ी बच्चों को डुबा देता है। ऑक्टागोनल टेस्ट में सेफ अटेम्प्ट आपका 84 के आसपास है, है ना, 82-83 भी है, लेकिन मैं सेफ अटेम्प्ट बताता हूँ कि अगर आपका 84 से ज़्यादा आपका लग रहा है कि सही होगा, वैसे तो सारे बच्चे 96 out of 96 बनाए होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका 84 आ जाएगा तो आप सेफ जोन में हो। अब 42% जो बोलते हो ना, कहीं से पढ़ के आए हो कि 42% 40 नंबर आ जाएगा ऑक्टागोनल में तो पास कर जाएंगे, तो पता नहीं जहां से पढ़ के आए हो वहीं पे जाके एक बार आप लोग पूछना, गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिला है। ट्रैक मेमोरी टेस्ट में हर जोन का जो एग्जाम चल रहा है उसमें 18 जाता है, तो इसमें भी आपका कट ऑफ 17 या 18 के आसपास ही जाने वाला है। ठीक है, वॉच टेबल टेस्ट में लगभग आपका 12 के आसपास कट ऑफ जाएगा, क्योंकि स्क्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से, नहीं तो 15-16 जाता, लेकिन स्क्रोलिंग इतना ज़्यादा है ना कि 11-12 पे आके आपका रुक जाता है। ब्रिक टेस्ट में आपका 32-33 अगर आपका सही है, है ना, क्योंकि 5 ही मिनट मिलता है ना, और सब लोग जॉब वाले होते हैं, तो जैसे तेज बच्चा 50 से 50 भी ले आता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका माइंड उस लेवल का नहीं होता, तो वो एवरेज को कम कर देते हैं आफ्टर ऑल। ठीक है, तो आपका 32-33 आ रहा है सही सही, तो आप कर जाओगे ये टेस्ट क्वालिफाई। और पिक्चर पोजिशन टेस्ट में भी आपका लगभग 42 के आसपास। अगर आपको पता है कि आपका हर सेक्शन में जितना मैंने बताया हुआ उससे ऊपर है, तो आप लोग रिलैक्स रहो, आप सभी लोग साइको टेस्ट आसानी से पास करोगे। यहाँ पे सारा स्टूडेंट का मैं नंबर को ब्लर कर देता हूँ, क्योंकि अभी जो पिछला वीडियो SCR का रिजल्ट का मैंने बनाया था, वो वीडियो YouTube ने रिमूव कर दिया था, सिर्फ इसीलिए कि पर्सनल नंबर दिख रहा था। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया तो मेरा वो वीडियो वापस आया है ना चैनल पे, तो इसीलिए मैंने सारा नंबर आपका ब्लर कर दिया है। आप बस ये मैसेज देखो,
सब कुछ मैंने बता दिया, पैटर्न सेम था सर, अनलिमिटेड जैसा है ना। आपके क्लॉक एंड ब्रिक की स्क्रोलिंग से काफ़ी हेल्प हुई थी सर, समझ में आया। मुझे जो बताना है बस मैं वो आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट का आइटम तो देखो फुल है, ट्रैक में 24, क्लॉक में 20, ब्रिक में 50, ऑक्टागोनल में 96 और पिक्चर पोजीशन में 59। तो ये सब का साइको टेस्ट होना फिक्स है। ये सब बच्चे सर वीडियो कब आएगा, तो अभी आ जाएगा। और ये डिस्काउंट के लिए क्या करें सर, तो बस लगा लेना, हैप्पी दिवाली, ठीक है। पर्सनल में एक एक को बताना पड़ता है, वीडियो में बता देता हूँ, 500,000 बच्चे आराम से देख लेते हैं। थोड़ा सा इनका मैसेज देखो, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने बस एक पूछा कि फायदा हुआ अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज से। अरे सेम टू सेम, लग रहा था आपका टेस्ट ही दे रहे हैं, समझ में आया। चलो उम्मीद करता हूँ जिसने भी अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो किया है, आप सभी का साइको टेस्ट आसानी से क्वालिफाई होगा और आप सभी लोग ALP बन जाओगे। मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो और बाकी अदर जोन वाले बच्चे सही प्लेटफॉर्म पे आके उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो जैसा आपके एग्जाम में आने वाला है ना। मैक्सिमम बच्चे फेल करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरफेस, उन्हें पता नहीं होता है। ऐसे ही नहीं, मैं गूगल पे आपको करके दिखाता हूँ, नंबर वन पे है अनलिमिटेड एजुकेशन। चलो तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।